देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है टू चार्जेस टू माइक्रोकुलम एंड माइनस टू माइक्रोकलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी सिक्स सेंटीमीटर अपार्ट ठीक है तो यहाँ पे ये दो पॉइंट चार्जेस हैं एक टू माइक्रोकम है और एक नेगेटिव टू माइक्रोकुलम है ये बच्चों सिक्स सेंटीमीटर अपार्ट है ठीक है यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस सिक्स सेंटीमीटर है ओके आइडेंटिफाई एन इक्ट पोटेंशियल सर्फेस ऑफ द सिस्टम तो इस सिस्टम का हमें सरफेस बताना है मतलब यहां पे हमें इक्की पोटेंशियल सर्फेस आइडेंटिफाई करना है ओके okay? फिर आगे पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस ठीक है तो सब तो सबसे पहले सर्फेसू पोटेंशियल सर्फेस बताना है फिर उस इक्की पोटेंशियल सर्फेस पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बतानी है सबसे पहले बच्चों बच्चोंशियल सर्फेस किसे बोलते हैं इक्कीपोटेंशियल सर्फेस मतलब बच्चों एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो अगर किसी सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है तो उसे है, at all, at all जैसे बच्चों, ये एक सरफेस और अगर इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो यहां पे, यहां, पे, यहां, पे, यहां, पे, यहां पे कहीं पे भी अगर हर एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम आ रही है तो आप इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलोगे ठीक है

तो हम यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है ना इनके जो आंसर्स हैं बच्चों इसी पे बेस्ड है ओके समझ में आ गया अब देखिए हमें कह रहा है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम सबसे पहले मुझे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है तो देखो बच्चों जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका मिड पॉइंट है ठीक है देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो पोटेंशियल होगा यहां पे पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव चार्ज है इसका जो पोटेंशियल होगा यहां पे नेगेटिव होगा और ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है बच्चों सेम है 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 ठीक मिड पॉइंट ना ये तो इसका इस चार्ज पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव तो फाइनली वो कैंसिल हो जाएगा और यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों जीरो हो जाएगा समझ में आ रहा है पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है उसी तरीके से बच्चों जैसे यहां पे कोई पॉइंट में ले लेता हूं तो ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या है सेम है तो बच्चों इसका इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल यहां पे पॉजिटिव होगा इसका नेगेटिव होगा तो यहां पे भी पोटेंशियल जीरो आ रहा है यहां पे भी पोटेंशियल जीरो आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है सेम है सेम यहां पे भी पोटेंशियल जीरो पे पे भी जीरो, यहाँ पे भी पोटेंशियल पोटेंशियल जीरो जीरो तो अगर यहां पे आप एक ऐसा सरफेस ले लेते हो जो सरफेस इस ए बी के परपेंडिकुलर हो तो देन बच्चों उस सरफेस में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा जीरो होगा जैसे मैंने यहां पे एक सरफेस बना दिया बच्चों ये इस तरीके से एक सरफेस बना दिया ठीक है एक सरफेस मैंने ले लिया है तो ये सरफेस बच्चों ये जो सरफेस है ये इस एबी के परपेंडिकुलर है इस तरीके से रखा गया है ये सरफेस ठीक है तो अगर

तो ही आएगा तो ये आपका क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो आपको यहां पे आंसर में लिखना है द प्लेन सरफेस नॉर्मल टू ए बी तो ये जो बच्चों प्लेन सरफेस है ना ये इस ए बी के नॉर्मल है नॉर्मल का मतलब क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर फिजिक्स में नॉर्मल को परपेंडिकुलर बोला जाता है ठीक है तो द प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर टू ए बी तो ये जो प्लेन सरफेस है बच्चों इस ए बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए हैज जीरो पोटेंशियल एवरीवेयर देन बच्चों इस वाले सरफेस में हर जगह जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा जीरो पोटेंशियल एवरीवेयर दूसरा यहां पे पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस तो ये जो प्लेन सरफेस है इस प्लेन सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी अभी मैंने आपको क्या बताया था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे परपेंडिकुलर होगा देखो बच्चों जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा बच्चों ऐसे अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा पॉजिटिव की चार्ज की वजह से और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्स नेगेटिव होता है समझ में आ रहा है तो हमें क्या करना है बच्चों इस सिस्टम का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर होगा तो इस 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 इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं कंपोनेंट बनाता हूँ एक कंपोनेंट इधर बनेगा एक इधर बनेगा और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अगर मैं कंपोनेंट बनाऊंगा तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा एक कंपोनेंट इधर बनेगा तो बच्चों ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बचेगा यही वाला कंपोनेंट तो बचेगा तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है बच्चों वो क्या आ रही है इस सरफेस के

ऑन दिस सरफेस इज नॉर्मल नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द डायरेक्शन ए बी बच्चों ये जो परपेंड ये जो प्लेन सरफेस है ना इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो आपको लिखना है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्फेस इज नॉर्मल टू द प्लेन इस प्लेन सरफेस के नॉर्मल होगा नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होगा इन द डायरेक्शन ए बी उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों ए बी होगी ये ए बी है ना ए ये है बी है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ए बी है तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया